ये इतना इंटेलिजेंट कौन है जिसने इसके अंदर, अबे निकलेगी कैसे? आपका स्वैग से स्वागत है। कैसे आप सब लोग, आप सब लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा आई होप। और जब भी आप ये व्लॉग देखे, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहे, ये मेरी एक इच्छा है। और ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से, रब से, प्रभु से, गॉड से, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज मैं क्लीन शेव, आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स करे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने कॉमेंट्स करे कि थोड़ी थोड़ी दाढ़ी में अच्छा लगता है, भाई थोड़ी थोड़ी दाढ़ी घर की खेती है, आ जाएगी कभी कभी, क्या दिक्कत है भाई, थोड़ी दिन इसको ऐसे छोड़ दूंगा, थोड़ी इसे बढ़ जाएगी, फिर उसको ट्रिम कर दूंगा। बाल कटवाने के लिए कुछ लोगों ने बोला है कि, लेकिन अभी क्या है कि मैं थोड़े से बाल बढ़ा रहा हूँ ताकि जब मैं कटिंग के लिए जाऊँ तो और अच्छे से कटो, क्योंकि यूजली जब आप हेयर कटिंग सलून वाले के पास जाते हैं और एक उसको कट बताते हैं तो वो कहते हैं यार नहीं नहीं आपके बाल ना छोटे हैं, थोड़े से और लंबे करो। तो वो बाल लंबे कर रहा हूँ हर जगह से, मतलब सर से, तो यहाँ पे अब वैसे वो कट बनाएगा, देखते हैं कैसा कट आएगा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं भी बेकार लग रही है। तुम नहीं, आज अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, ये क्या लेकर आया? ये लकड़ी, ये कहाँ से लाया लकड़ी? ठीक हो? फोटो नहीं आई थी फेसबुक पे, चप्पलें थी, चप्पलें बहुत बुरी हालत में थी, उसमें एक चप्पलों के नीचे लिखा हुआ था दिस इज द आर्ट, और एक डॉगी ऑफिस बना था नीचे लिखा था दिस इज द आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट है, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? आज इस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, बच्ची की, तो ये इसने छुट्टी ले ली है। बहुत ज्यादा एग्जर्शन हो गई काम करते करते। ओहो, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर आज, ठीक है। ओए होए पति देव, आपके डिजाइनर सॉक्स। हाँ, थोड़े से बिल्कुल सॉक्स की मेरे को शौक है, सॉक्स की कलेक्शन मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाई थी, अलग अलग तरीके के सॉक्स हैं मेरे पास। वैसे ये फॉर्मल सॉक्स है तो थोड़े फॉर्मल सॉक्स अच्छे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं। नीचे कैजुअल सॉक्स अगर मैं पहनूंगा तो कैजुअल अच्छे नहीं लगेंगे, फॉर्मल के फॉर्मल सॉक्स। आपके ऊपर सब अच्छा लगता है। वैसे ग्रे के ऊपर ये ब्लैक शू अच्छे लगेंगे या ब्राउन? मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक। ब्लैक ना? हाँ। पतिदेव, आपके लिए नारियल पानी है बादाम? वैसे तो आपके अंदर बहुत तेज दिमाग है, आपको बादाम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपके लिए बादाम सोचा तेज दिमाग नहीं है, बहुत तेज दिमाग है ना, मेरे जबरदस्ती ना बदनाम करा हुआ है, सही बता। आप इंजीनियर हो, घर में कोई भी चीज में दिक्कत आती है आप सही करते हो, तेज दिमाग नहीं है आपका। आप थ्री इडियट्स के वो रणछोड़दास सांचट कुछ भी, जितने भी लोग है ना, मैं सही बता रहा हूँ दिल से, जितने भी इंजीनियर देख रहे हैं ना, ये आपके साथ भी वैसा होता होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जितने भी हमारे घर वाले हैं वही सोचते हैं इंजीनियरिंग की है, हाँ ये तो पंखा ठीक कर देगा, ये तो मिक्सी खराब होगी ये ठीक कर देगा, और बाई चांस अगर आप वो चीज ठीक ना कर पाओ तो घर वाले कहते हैं क्या फायदा इंजीनियरिंग का, ये कोई फायदा है, इतने पैसे लगा दिए इंजीनियरिंग पे तो एक मिक्सी ठीक नहीं कर पा रहा। भाई इंजीनियर है, मैकेनिक थोड़ी है यार। वही तो। ये पतिदेव, आपका जूस पैक कर दिया है, आपके लिए फ्रूट्स रख दिए हैं, एयरपोर्ट रख दिए हैं, आपके परांठे और लंच। बाय पतिदेव। ओके बाय बाय। ये मैंने खाना ले लिया है और हम मेहनत करने के लिए और आज की दिहाड़ी बनाने के लिए हम जा रहे हैं। बाय। अरे रुको, आपने परफ्यूम लगा लिया? नहीं तो लगाओ फिर। आपका फेवरेट? वैसे मैंने भी आपको दिए लेकिन आपका फेवरेट ये है। सारे मेरे फेवरेट, जो अपने प्यार से दे दे, अपने प्यार से अपने हाथों से देते हैं, उनका फेवरेट परफ्यूम बन जाता है। मैं तो प्यार से देती हूँ आपको परफ्यूम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। में बारिश आ रही है बहुत तेज, बहुत तेज है। अभी तो खैर अंधेरा हो रहा है तो इतना दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ तक पानी आ रहा है, कैमरा गीला हो रहा है, मजा आ गया। दो दिन से बारिश नहीं आती है, बारिश बहुत मिस करती थी, अब आ गई। चीकू को भेजो मम्मी, चीकू को, तू आ जा बारिश का मजा ले तू भी। इसकी आंखें कैसे चमक रही है, गया। बारिश जो आती है उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है? बेस्ट पार्ट उसका ये होता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये जो उस भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब जैसी हल्की हल्की बारिश की बूंदे पड़ती है ना जमीन पर, वैसी ही वो खुशबू मतलब चारों तरफ हवा में फैल जाती है, और उसी से आपको पता चलता है कि हाँ बारिश आ रही है। आप अंदर भी बैठे हो घर में तब भी वो खुशबू एकदम से आ जाती है, और इतनी अच्छी लगती है, मतलब वो होता है ना दिल को सुकून पहुंचाने वाली खुशबू, वो होती है वो, मतलब इससे अच्छी खुशबू हो ही नहीं सकती दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो हमारी फैमिली है उनमें से भी जितने भी लोग हैं उन सबको भी ये बारिश की जो भीनी मिट्टी की खुशबू होती है बहुत बहुत अच्छी लगती होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगती है भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू जब बारिश आती है उसके बाद। ये मुझे यहाँ पे एक नई चीज दिखी और वो भी मेरे मतलब की। मम्मी आप क्या लेके आए हो? ये मेरे लिए। हाँ खाओ, आपको पसंद है ना? हाँ
लेकिन मम्मी इसमें चेरी भी है। छाट दू चेरी हाँ कितना सॉफ्ट सा कह गई है। मम्मी आपका सबसे बड़ा हाथ है मेरे को मोटा करने के पीछे, पता है आपको? नहीं मैं मोटा नहीं कर रही, तुम्हारी सेहत बना रहे। सेहत बना रहे हो? अच्छा मतलब अलग बात होती है दोनों। आपको पता है शादी के बाद मेरा 12-15 किलो भी बढ़ चुका है। खाते पीते रहो। अच्छा खाते पीते रहे जैसे चीकू रहता है, खाते पीते हेल्दी हेल्दी ठीक है। मम्मी मैं पता क्या सोच रही हूँ, वैसे तो ये बहुत स्मार्ट है चीकू, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज इस पे वो करूँ एक प्रैंक, इसको बेवकूफ बना के देखती हूँ कि ये मतलब समझ जाता है या पता चल जाएगा। अगर समझ गया मतलब बाकी पति देव के ऊपर गया, ये बहुत स्मार्ट है। तो मैं विभूषण का नाटक करूंगी और देखते हैं आता ही नहीं। आ चीकू आ नहीं देख रहा छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा। भाभी के पास मम्मी मेरा तो पोपट हो गया, ये तो बहुत स्मार्ट है। आपने तो क्या आप क्या खिलाते हो, बादाम खिलाते हो क्या, तो दिमाग तेज होता जा रहा है। और पता है कुछ दिन पहले मैं इसके आधी एक्टिंग की थी ना, तब तो ये सब नहीं समझा था, अब समझ गया ये पता नहीं कैसे। इसको पता है भाभी एक्टिंग कर रही है, कुछ नहीं मेरे को परेशान कर रही है बस। गजब बेइज्जती है। एक बात बता, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा तेज है, तू ज्यादा स्मार्ट समझता है खुद को, तू मेरे झांसे में नहीं आएगा। नहीं दे दे भाभी को सॉक्स दे दे तू पहले। बहुत तेज हो रहा है। मम्मी मेरे को दाल नहीं खानी है। क्या खाना है? कुछ अच्छा सा खाना है, दाल मन नहीं कर रहा खाने का। मेरी नजरों में अच्छा कैसे रहता है वो बता। अच्छा आप मेरे लिए वो बना दो चूरी। चूरी खानी? हाँ एक रोटी खा लो। नहीं एक रोटी की चूरी बना दो। चलो मैं बना देती हूँ। ओके मैंने और मम्मी ने आपको बहुत कुछ दिखाया है खाने का हमारे ब्लॉग में, लेकिन एक चीज नहीं दिखाई चूरी। तो कभी जब मेरा मन नहीं करता ना खाने का, तो मम्मी से बोलती हूँ मम्मी चूरी खानी है, और मीठी भी है, मेरे को मीठा जैसे कि बहुत पसंद है, और क्योंकि इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा मीठी हूँ सबको पता है, तो इसलिए मम्मी मेरे लिए चूरी बना रही है। मैं आपको दिखाती हूँ चूरी बनाती है ऐसे। मम्मी बाउल में पहले फुलका लेना। अच्छा चीनी डालनी है। ठीक है ठीक है। और ये थोड़ा सा देसी घी, घी के बिना तो मम्मी मजा ही नहीं आता चीजों में। फिर उसको मसलना है। अच्छा इसको मसाला। अरे वाह ये देखिए आप सभी खाती हूँ मैं, जो मन नहीं करता ना खाने का तो ये खाती हूँ मैं, चीनी घी और रोटी। वाह मजा आता है खा के, आप सभी ट्राई करना जिन लोगों को दाल पसंद नहीं है वो। Nice. ये इतना इंटेलिजेंट कौन है जिसने इसके अंदर ना, आपको मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था, इसके अंदर पूरी ना सौंफ भरी हुई थी अलग अलग कलर की, इसमें नॉर्मल वाली सौंफ थी, मल्टीपल कलर वाली। कोई हंस रहा है? इसके अंदर जो मीनाक्षी घर से चूरन और गोलियां आई थी वो डाले गए हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ निकलेंगी कैसे? ये छोटा सा इसका वो है, अबे निकलेगी कैसे? बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अब मम्मी से पूछो, मम्मी ने तो बहुत दिमाग लगाया है। ये वाली गोली है ना, ये वाली, अब ये निकाल के देख, एक भी गोली बाहर नहीं आ रही। तो बहन जी जरा ये बताएं कि निकलती कैसे है, हाउ टू ईट दिस? ये मैंने पापा को बता दिया है कि आज मैंने बहुत अकलमंदी का काम किया। सुनो आप, सुनो आप। इसका डब्बन, डब्बे का ढक्कन खोला, डब्बे का ढक्कन खोला। अरे कहना क्या चाहते हो? और इसमें मैंने ये भरा। ओके और मैंने बंद कर दिया। ठीक लेकिन जब मैं फिर खाने लगी तो निकला एक भी नहीं। तो खोलेगा कैसे ये? अब वो मेरे से खुल नहीं रहा। अब पापा ने खोलने की कोशिश करी, पापा ने खोला, अब मेरे से भी खुल नहीं रहा। इसको कहते हैं माइंड गेम्स। ठीक है इधर घमंड कभी नहीं, घमंड नहीं करती। मैं बचपन से ना हमने अंगूर खाए हैं काले और हरे, मम्मी लाई है ये लाल वाले अंगूर पता नहीं कहाँ से। अबे भैया कौन से देश के अंगूर हैं? इम्पोर्टेड। कौन से देश के अंगूर हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन टेस्टी हैं। अफ्रीका से आए ये? अफ्रीका अफ्रीका से नहीं, अफ्रीका से आए। अफ्रीका ही बोलते हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? क्या बोलते हैं? अफ्रीका। क्या बोलते हैं? अफ्रीका अफ्रीका। आई एम बायर वेनर, अफ्रीका से आपके लिए लेकर आए हैं ये अंगूर। ये रहे जल्दी से ये आकर ये बताओ। वैसे एक बात बताना चाह रहा था मैं कि मम्मी की इंटेलिजेंस देख के मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। ये ना बाबा, इस इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इंटेलिजेंट तो बहुत है तेरी मम्मी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ओवर इंटेलिजेंट है। ओवर जब तू अभी बात बोल रहा था मेरे को कि मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगती, ये गुण तेरा तेरी मम्मी के यहाँ से आया, तो वो मम्मी बताएगी कैसे आया। जो ओवर इंटेलिजेंट वो तो नहीं बता रहे कि वो भी गुण इसमें मेरी तरफ से आया, वो अब अपनी तारीफ करेंगे कि वो मेरी तरफ से आया। इनको क्या ही पता है। आपका बेटा बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट है,
वो गुण कहाँ से है? वो तो सब मेरे से आए ना, जब आधे गुण मम्मी से आते आधे पापा से आते तो मतलब कौन सा गुण मेरा ओवर थिंकिंग वाला है और ओवर इंटेलिजेंट वाला आपसे आया? हाँ। तो ये ओवर इंटेलिजेंट वाला काम किसने किया? ओवर इंटेलिजेंट बंदे ने खोल दिया ना डब्बा, आप काम में बंद करके रख दिया बंदा खाया नहीं इतना खाना नहीं खाती उतने से, उससे ज्यादा दवाइयाँ खाती है। मतलब आपकी डाइट में आपने लिखा हुआ है कि मेरे को खाना के साथ साथ दवाइयाँ खानी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है मेरे अंदर। तो खाना क्यों नहीं खाती है टाइम पे? खाना तो खाना और खाओ, भूख जितनी लगेगी उतने तो खाऊंगी, तो रहने दो फिर। यार आप लोग प्लीज यार मीनाक्षी को समझाओ यार, मतलब सीरियसली मैं नहीं समझा सकता इस लड़की को, ये बैठी है मैं नहीं समझा, हद ही हो गई यार, समझती नहीं है। अबे खाने के अंदर हर तरीके के खाने के अंदर हर तरीके का विटामिन मिनरल्स सब चीजें होती है, पोषक तत्व वो खाने में होती है। दाल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, रोटी खाओ टाइम पे, दवाइयों में लगी हुई है यार। आप बताओ सीरियसली, मतलब मजाक से हटके आप सीरियसली ना नीचे कमेंट में इसको प्लीज डांटो, आप डांटो। हम एक्चुअली में दिक्कत पता क्या हो रही है, हम दोनों के बीच में ना फॉर्मेलिटी नहीं है, हम दोस्त हैं तो मेरी बातों को हल्के में ले जाती है, वरना पति की बात पालेगी तू, पति की हल्के में ले रही है ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको बोलो प्लीज के खाना टाइम पे खाए, खाने के अंदर सब चीजें मिल जाएंगी और बस खाना जो बंदा टाइम से खा लेता है ना वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो अभी हम इस ब्लॉग को करेंगे खत्म, तो आपका परिवार और आप जिंदगी भर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन को दबा दबा के तोड़ देना। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, सी यू।